हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं पेडोगोजी पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस चैप्टर हर दिन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अभी तक पाठचर्या और योजना हो चुकी है, आज हम उसके अगले पे पॉइंट पर बात करेंगे। और इससे पहले अगर आपने अभी भी एमबी परीक्षा सफलता की ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम से आप व्यापम के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, चाहे वर्ग एक हो, वर्ग दो, एमपीएसआई, एमपी कॉन्स्टेबल, एमपी पुलिस की, बहुत अच्छे से आप इस ऐप के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब आप इस ऐप के माध्यम से एमपीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप व्यापम की टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हैं तो ये VIJDPV50 ये कोड जरूर अप्लाई करें, इससे आपको टेस्ट सीरीज में 50% की छूट मिल जाएगी। और एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज बाय करते हैं तो ये कोड जरूर लगाइए VIJDPSC25, तो इससे आपको एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज पर 25% की छूट मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट पर, पेडोगॉजी पर लेकर आए ये चैप्टर प्रैक्टिस हर दिन में लेकर आ रहा हूँ। अभी तक आपका पाठचर्या और योजना हो चुकी है। आज अगला टॉपिक है अनुदेशन सामग्री और वह संसाधन। काफ़ी कुछ मैंने इसमें पढ़ाया भी, अगर आपने वो डिटेल वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न से। पहला प्रश्न है, शाब्दायिक संसाधन होते हैं, शाब्दिक संसाधन होते हैं, पुस्तक होती है, जर्नल्स होते हैं, पाठ पुस्तक होती है, ये सभी शाब्दिक संसाधन होते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है ये सभी। जल्दी जल्दी सॉल्व करना, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताते जाइए। और लास्ट में यह भी बताइएगा जरूर कि कितने आपके मार्क्स है। विद्युत संसाधन के उदाहरण है स्लाइड प्रोजेक्टर, रेडियो, टेलीविजन, ये सभी। ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है। विद्युत संसाधन के उदाहरण है तो स्लाइड प्रोजेक्टर, रेडियो, टेलीविजन, ये सभी विद्युत से ही चलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ये सभी। ग्राफ का प्रयोग किन किन विषयों में होता है, देखिए ग्राफ क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। गणित में, विज्ञान में, ए और बी दोनों में उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्राफ का प्रयोग कहाँ होता है आपको ही पता है कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, बिल्कुल गणित और साथ ही साथ विज्ञान दोनों के अंदर ग्राफ का यूज होता है। वीडियो को रोककर नोट करते जाना। टेप रिकॉर्डर में किन बातों को भरा जाता है, ये भी मैं टेप रिकॉर्डर क्या होता है पढ़ा चुका हूँ। ध्वनि, व्याख्यान, वार्ता, ये सभी। देखिए प्लेलिस्ट में जाना, मिल जाएगा आपको वीडियो। टेप रिकॉर्डर में किन बातों को भरा जाता है, तो कोई भी ध्वनि हो सकती है, किसी का भी लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी की बात रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाता है ये सभी। पाठ पुस्तकों के सहयोग से छात्र तैयार करते हैं, पाठ वस्तु का सारांश, मुख्य बिंदुओं का लेखा, विशेषज्ञों की राय, ये सभी। पाठ पुस्तकों के सहयोग से छात्र तैयार करते हैं तो इसका जो उत्तर है ये सभी। ये पाठ पुस्तक वस्तु का सारांश कर सकते हैं, मुख्य बिंदुओं का लेखा कर सकते हैं, विशेषज्ञों की राय, ये सभी। तो इसका उत्तर ये सभी है, नोट कर लिया होगा आपने। तैयार की गई सामग्री खरीदी गई सामग्री की अपेक्षा क्यों अधिक उपयोगी होती है, इनका कहना है कि जो आप कुछ भी मटेरियल तैयार करते हैं वो खरीदी गई इस सामग्री से अधिक उपयोगी क्यों होता है। सामग्री निर्माण का प्रदर्शन विद्यार्थियों में कौशलों के विकास में उपयोगी होता है। बहु इंद्रियों के प्रयोग से विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। आर्थिक रूप से बहुत व्यवहारिक होती, उपयुक्त सभी। तो देखिए सामग्री निर्माण का तैयार की गई सामग्री खरीदी गई सामग्री अपेक्षा क्यों अधिक उपयोगी होती है, तो सब ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, सॉल्व कर लिया होगा आपने। तो देखिए जो सामग्री निर्माण का प्रदर्शन विद्यार्थियों में कौशलों के विकास में उपयोगी होता है, ये सही बात है। बहु इंद्रियों के प्रयोग से विद्यार्थियों में चिंतन शक्ति का विकास होता है, ये भी सही है। जब आप खुद ही कोई चीज़ आपने नोट्स जो मैं कहता हूँ बनाए तो देखिए आपको ये बेनिफिट होगा। आर्थिक रूप से बहुत व्यवहारिक होता है, बिल्कुल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ये सभी, नोट कर लिया होगा आपने। वीडियो को रोककर नोट कर लेना क्वेश्चन और ये उसका आंसर। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त शिक्षण सीखने के उपाय क्या है, अखबार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पत्रिका है, उपयोग सभी। इनका कहने का मतलब है पाठ्य पुस्तक के अलावा भी और कहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हैं, तो भाई आप अखबार से सीखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, पत्रिका से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रयोगशाला अवसर के, ये टॉपिक अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, ये बचा हुआ आपका टॉपिक है। एक तो आपका दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है, दोनों पे भी बचा है। प्रयोगशाला क्या होती है, म्यूजियम क्या होता है, ये सब मेरे टॉपिक बचे हैं, पर मैं अभी मूल्यांकन पे लाऊंगा पहले, फिर उसके बाद समावेशी शिक्षा पे, फिर जो भी पार्ट बचा है सिलेबस में आपका वो कंप्लीट कराऊंगा। प्रयोगशाला आवश्यक है रुचि एवं प्रेरणा में वृद्धि के लिए, मूर्त अनुभवों के लिए, सृजनात्मक क्षमता वृद्धि के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो देखिए जो प्रयोगशाला आवश्यक होती है ये रुचि और प्रेरणा आपकी बढ़ती है, मूर्त अनुभवों के लिए, सृजनात्मक क्षमता में विकास होता है, बिल्कुल वृद्धि होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। बात कर नोट करते चलना।
स्लाइड प्रोजेक्टर कितने प्रकार के होते हैं ये मैं पढ़ा चुका हूँ, होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में स्लाइड प्रोजेक्टर पढ़ाया है मैंने, एक होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं, आठ होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, स्लाइड प्रोजेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, होमवर्क का क्वेश्चन है। श्रवदर्श सामग्री वे संवेदनशील उद्देश्य या चित्र हैं जो सीखने को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित करते हैं, किसका कथन है? बर्टेन का, फ्रांसिस नोल का, क्रो व क्रो का, इनमें से कोई नहीं। श्रवदर्श सामग्री वे संवेदनशील उद्देश्य या चित्र हैं जो सीखने को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित करते हैं, कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है बर्टेन का। नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर, यह भी मैं पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया, इसे तो मैंने दो बार लिया था क्योंकि मैंने आपको बता भी था कि कई बार पूछा जाता है चित्र विस्तारक यंत्र एपिडाइस्कोप किस प्रकार की सामग्री है, जरूर वीडियो देख लेना, डिटेल में समझाया मैंने क्या होता है एपिडाइस्कोप। स्रव होता है, दृश्य प्रक्षेपित होता है, स्रव दृश्य सामग्री होता है, अब प्रक्षेपित दृश्य सामग्री। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सामग्री है? तो इसका सही उत्तर है दृश्य प्रक्षेपित होता है। ये प्लेलिस्ट में जाना, आपको वीडियो मिल जाएगा। ये साधन ऐसी सहायक विधियां हैं जिनके द्वारा अध्यापक ज्ञानेंद्रियों के उचित उपयोग से तथ्यों को अधिक स्पष्ट कर सकता है, विभिन्न धारणाओं को समन्वित रूप से स्थिर कर सकता है, उनकी विभिन्न रूपों से व्याख्या कर सकता है तथा उनका गुणांकन कर सकता है, कथन किसका है? बर्टेन का है, फ्रांसिस नोल का है, क्रोनबेकलीज का है, इनमें से कोई नहीं। ये साधन ऐसी सहायक विधियां हैं जिनके द्वारा अध्यापक ज्ञानेंद्रियों के उचित उपयोग से तथ्यों को अधिक स्पष्ट कर सकता है, विभिन्न धारणाओं को समन्वित रूप से स्थिर कर सकता है, उनकी विभिन्न रूपों से व्याख्या कर सकता है, गुणांकन कर सकता है, कथन किसका है? सही उत्तर है बर्टेन का कथन है ये। नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। अच्छी शिक्षण सामग्री की क्या विशेषता है? मोस्ट टाइम पे लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, कई एग्जाम में पूछा गया है, IMP लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, पूरा पूरा नोट भी कर लेना आप कि अच्छी शिक्षण सामग्री की विशेषता होती है शिक्षण के लिए सामग्री मनोरंजन एवं रोचक, स्पष्ट धारणा निर्माण में सहायक, उपयुक्त सभी। एक अच्छी शिक्षण सामग्री क्या होती है? जो शिक्षण के लिए सामग्री होती है मनोरंजक एवं रोचक होती है, स्पष्ट धारणा निर्माण में सहायक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ये सभी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, नोट कर लिया होगा आपने। शिक्षा योजना की आधारशिला अच्छा अध्यापन है, दृश्य स्व परीक्षण सामग्री इस आधारशिला का अभिन्न अंग है, कथन किसका है? कुक का है, फ्रांसिस डब्ल्यू नील का है, बर्टेन का है, रूसो का है। शिक्षा योजना की आधारशिला अच्छा अध्यापन है, दृश्य स्व प्रशिक्षण सामग्री इस आधारशिला का अभिन्न अंग है, कथन किसने दिया था? इसका सही उत्तर है फ्रांसिस डब्ल्यू नील। नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। निम्न में से प्रेषित सामग्री है कंप्यूटर्स, ग्लोब, बोर्ड, अवलोकन। तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर्स, ए इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री है तो इसका सही उत्तर हो जाता है कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रक्षेपित सामग्री है, नोट कर लिया होगा आपने। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आते हैं मॉडल्स, पोस्टर, चार्ट, ये सभी। ये क्या होता है प्रक्षेपित अप्रक्षेपित, ये सब समझा भी चुका हूँ मैं आपको। अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आते हैं तो इसका सही उत्तर है ये सभी आ जाते हैं, अप्रक्षेपित, पोस्टर, मॉडल, चार्ट, ये सभी अप्रक्षेपित सामग्री के अंदर आते हैं, जबकि जो प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं ये प्रक्षेपित में आते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, अधिगम सामग्री के रूप में इमारत का उपयोग अधिगम में किस प्रकार सहायता करता है? करके या अनुभव द्वारा सीखना, अधिगम की प्रक्रिया में ज्ञानेंद्रियों की भागीदारी, ए एवं बी दोनों। अधिगम सामग्री के रूप में इमारत का उपयोग अधिगम में किस प्रकार की सहायता करता है? करके या अनुभव द्वारा सीखना, अधिगम की प्रक्रिया में ज्ञानेंद्रियों की भागीदारी। तो दोनों ही सही है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नोट कर लिया होगा आपने। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, बालकों के संपर्क में आने वाली तथा उनकी रुचि, भावनाओं व विचारों से संबंध रखने वाली बातों से संबंधित करके ही उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए, कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का, क्रो व क्रो का, नील का, फ्रॉबेल का। इस क्वेश्चन को IMP लगा लीजिए, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न।
बालकों के संपर्क में आने वाली तथा उनकी रुचि भावना और विचारों से संबंध रखने वाली बातों से संबंधित करके उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। कथन किसका है? सही उत्तर है इसका पेस्टोलॉजी का कथन है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सहायक सामग्री कैसी होना चाहिए, क्या होती है सहायक सामग्री? मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। प्रेरणादायक पाठ की आवश्यकता के अनुरूप हो, छात्रों की मानसिक स्तर के अनुरूप हो, उपयुक्त सभी। सहायक सामग्री कैसी हो, क्या होती है सहायक सामग्री? मैंने डिटेल में बताया, वो वीडियो जरूर देख लेना आप। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। सहायक सामग्री प्रेरणादायक हो, पाठ की आवश्यकता के अनुसार हो, छात्रों का मानसिक स्तर, मतलब आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, पाँचवीं के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, दसवीं को पढ़ा रहे हैं, बारहवीं को पढ़ा रहे हैं, जिस भी स्तर पर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस, आपकी सामग्री, आपका कंटेंट होना चाहिए। किसने कहा है कि प्रयोगशाला सार्थक एवं अघतन उपकरणों जिन्हें अनुदेशात्मक सामग्री कहते हैं से सुसज्जित कक्ष या स्थान होता है जो शिक्षण अधिगम तथा अनुसंधान कार्य हेतु निर्धारित की जाती है, जहां विशेष शिक्षण प्राप्त गणित शिक्षक विद्यार्थियों के साथ विशिष्ट अनुदेशों पर बातचीत करते हैं। क्रोनबेक, लीज, एडनगन, मुनरो, एडगर डेल। एक बार फिर प्रश्न पढ़ता हूँ, किसने कहा है कि देखिए प्रयोगशाला सार्थक एवं अघतन उपकरणों जिन्हें अनुदेशात्मक सामग्री कहते हैं से सुसज्जित कक्ष तथा स्थान होता है जो शिक्षण अधिगम और अनुसंधान कार्य को हेतु निर्धारित की जाती है, जहां विशेष शिक्षण प्राप्त गणित शिक्षक विद्यार्थियों के साथ विशिष्ट अनुदेशों पर बातचीत करते हैं। बिल्कुल प्रयोगशाला के बारे में बताया गया है इसमें अंदर, तो आप इसे जरूर रीड कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर है एडनगन। नोट कर लिया होगा आपने, जरूर इसको रीड एक बार जरूर कर लेना। प्रक्षेपित सामग्री में कौन सा उपकरण आता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ प्रक्षेपित सामग्री के अंदर। ये ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। मॉडल अवलोकन उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रक्षेपित सामग्री में कौन सा उपकरण आता है, तो देखिए प्रक्षेपित में ओवरहेड प्रोजेक्टर आते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर आते हैं। ये क्या होते हैं, इन पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। पाठ्यपुस्तकों का क्या महत्व है, इस क्वेश्चन को मोस्ट टाइम पे लगा लीजिए, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। कक्षा में अध्यापन करने के लिए, पढ़ाने के स्तर को देखने के लिए, स्पष्ट व सरल भाषा के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, पाठ्यपुस्तकों का क्या महत्व है, तो देखिए कक्षा में अध्यापन में के काम आती है पाठ्यपुस्तकें, पे पढ़ा चुका हूँ मैं। पढ़ाने के स्तर को देखने के लिए, स्पष्ट व सरल भाषा के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, इसका सही उत्तर हो जाता है उपयुक्त सभी, पाठ्यपुस्तकों का महत्व है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के बारे में क्या सत्य है, तो इस आईसीटी का फुल फॉर्म सबसे पहले तो नोट कर लीजिए आप, इस आईसीटी का, इस पे फुल फॉर्म इसका आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, लिख लीजिए, आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद एंड, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो ये आपसे आईसीटी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाएगा, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है, नोट कर लिया होगा आपने। कई एग्जाम में पूछा गया इसका फुल फॉर्म, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के बारे में क्या सत्य है, शिक्षा की गुणवत्ता और अधिगम्यता को बढ़ाता है, अधिगम वातावरण को बढ़ाता है, उत्प्रेरण को बढ़ाता है, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है उपयुक्त सभी, आईटीसी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नोट कर लिया होगा आपने। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सूचना को संप्रेषित करने, निर्मित करने, वितरित करने, एकत्रित करने तथा प्रतिबंधित करने तो विभिन्न प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा संसाधनों का एक सेट क्या कहलाता है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। रेडियो कहलाता है, टेलीविजन कहलाता है, आईसीटी कहलाता है, मोबाइल फोन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं बता देता हूँ, आईसीटी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक बार इसकी डिटेल को जरूर पढ़िए। सूचना को संप्रेषित करता है आईसीटी, उसे निर्मित करता है, वितरित करता है, एकत्रित करता है तथा प्रतिबंधित करने तो जिस विभिन्न प्रौद्योगिकी उपकरणों एवं संसाधनों का सेट आईसीटी कहलाता है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, नोट कर लेना, आईएमपी क्वेश्चन है। निम्न से क्या आईसीटी, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के भाग है, आईसीटी के भाग है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उपयुक्त तीनों। तो देखिए जो आईसीटी है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इतनी बार मैंने बोल दिया कि अब तो आपको याद हो गया होगा के भाग है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ये सभी। इसे आईएमपी लगा लेना और ये तीनों नाम नोट कर लेना, मोस्ट आईएमपी है, ये पूछा जा सकता है आपसे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
एंड्रॉयड क्या है, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ एंड्रॉयड क्या है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया। एक मोबाइल है, एक मुफ्त मुक्त स्रोत मोबाइल प्लेटफॉर्म है। तो जो लोग रेगुलर वीडियो को हमारे देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ एंड्रॉयड क्या है। IMP क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको। संप्रेषण एक टॉपिक है, उसके संबंध में प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ये इसका सही उत्तर है, एक मुफ्त मुक्त स्रोत मोबाइल प्लेटफॉर्म है। इसे IMP लगा लीजिए, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, एंड्रॉयड है तो ये IMP लगा लीजिए आप। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से क्या ICT उपकरण नहीं है? ये बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण ICT नहीं है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो, घड़ी। जरूर बताइए आंसर। अभी भी आपको अगर हमारा देखिए वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है आपके लाइक करना। और साथ ही साथ अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन मैं आपको आपके जिस हिसाब से सिलेबस है उसके अनुसार ऑब्जेक्टिव हर दिन लाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कहीं कुछ डाउट होता है मेरा नंबर जरूर सेव कर लीजिए, 8962429353 मेरा नंबर है, और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और अगर आपको कॉल करना है तो कॉल भी कर सकते हैं, अगर मैं फ्री रहा तो जरूर आपका कॉल अटेंड कर लूँगा। चलिए बात करते हैं, और ये जरूर ध्यान में रखिएगा 250 भी हमने आपके लिए फ्री कर दिया है हिंदी, और जिन लोगों ने हिंदी इसका पेमेंट कर दिया है आप हमें पेटीएम नंबर आपको प्रोवाइड कर दीजिए, हम आपको आपके पैसे रिफंड कर देंगे। हम अब ये फ्री में हिंदी भी फ्री में पढ़ाएंगे, और कल से रेगुलर आपकी क्लासेस आ जाएंगे। निम्न में से क्या ICT के उपकरण नहीं है? तो आपको पता होगा घड़ी नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? इनपुट को स्वीकारना, आंकड़ों का भंडारण व प्रसंस्करण मतलब स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, आउटपुट के रूप में परिणाम व कार्यों का कंट्रोल, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो कंप्यूटर होता है वो इनपुट को स्वीकार करता है, उसके बाद क्या करता है, जो भी उसने इनपुट लिया उसको प्रोसेस करता है, और फिर आउटपुट के रूप में वो क्या दे देता है, रिजल्ट दे देता है। ये कंप्यूटर की बेसिक प्रोसेस, तीनों की तीनों आपको ये नोट डाउन करने हैं पॉइंट, और उसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसको आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पर, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और ये 250 का पेमेंट भी मत करना, और जिन लोगों ने कर दिया उन सबको मैं जल्दी ही रिफंड करवा दूंगा। पेटीएम नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो ये नंबर है मेरा सेव कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय एकेडमी।